सर मेरा बेरोजगारी है, मेरे पास दो बच्चे हैं, एक बच्चे एक बच्चे बेदमा है, तो मैं आज 2000 मान लो 600 का कहता था अपना 2006 से अपना 2 साल तक 8-9 में का कहता अतिथि शिक्षक काट दिए। इसके बाद वर्ग 3 वाले शिक्षक जो आ गए हैं तो बोलते जगह नहीं है, तो बेरोजगारी है सर। तो मैं कलेक्टर साहब से कई बार आके मिला, मेरे पास रसीद है, आज 10 साल से भटक रहा हूँ सर, कोई रोजगार मेरे को मुहैया नहीं किया जा रहा है। आश्वासन देते हैं चलो ठीक करेंगे, कहीं करेंगे। अभी 28 दिसंबर 2020 में कलेक्टर साहब बोले थे कि यहाँ कर देंगे, वो टकनी में मिला था तो बोले ये चलो हम देखते हैं कहीं तुम्हारा करवा देते हैं। तो हो गया तक कुछ नहीं हो रहा सर, भी बेरोजगारी मेरे पास है, क्या बताऊँ। मेरे जीने के लिए कोई सहारा जीवन यापन करने के लिए नहीं, राशन के नाम राशन से जो मेरे को ही वो विकलांग पेंशन मिलता है 600 रुपये वही है, और 20 किलो अनाज मिलता है गरीबी रेखा काट के हिसाब से। अब उसी में सर उसमें परेशान, क्या बताऊँ।